लालकुआ वासियों को मिला भूमि का मालिकाना हक। बरसों से नगरवासियों के मन में पनप रही मुराद आज पूरी हो गई, जब सरकार द्वारा नगर के वासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा हुई। आपको बताते चलें कि लालकुआ में लंबे समय से लोगों की बसासत है, किंतु यहाँ के लोगों को मालिकाना हक प्राप्त नहीं था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र की जनता के लगातार सतत प्रयासों से यह मालिकाना हक शहरवासियों को मिला। इस बारे में बोलते हुए क्षेत्र के विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि प्रथम चरण में 10 लोगों को पट्टे वितरित किए जाने की तैयारी हो चुकी है। सरकार के द्वारा पट्टे मिल जाने के बाद नगरवासियों को भूमि का अधिकार मिल जाएगा, साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं वह भी सुलभता से प्राप्त हो सकेगी। लालकुआ नगर पंचायत की लीज न्यस्त भूमि पर बसे हुए लालकुआ निवासियों की लंबे समय से इस भूमि के मालिकाना हक की मांग थी, जिसका जियो पूर्व में भी जारी होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक एक लक्ष्य निर्धारित कर यह तय किया कि मैं विनियमितीकरण अपने कार्यकाल में अवश्य कराऊंगा। इसी क्रम में लगातार शासन से संपर्क, लगातार माननीय मुख्यमंत्री से निर्देशित कराने और इसकी विसंगतियों को समय समय पर दूर कराने के बाद अंतिम रूप से जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस प्रकरण को अपने स्तर पर निस्तारित करने का निर्णय करेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने मुझे सूचित किया कि 10 पट्टों पर उनके हस्ताक्षर होने के बाद वे वितरण के लिए उपलब्ध हैं। मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को निर्देशित किया कि आगामी 20 तारीख को लालकुआ तहसील में इन पट्टों को इनके स्वामियों को सौंपने का कार्यक्रम हम करेंगे। निश्चित रूप से मैं लालकुआ निवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि एक शुरुआत हुई, एक रास्ता खुला। साथ ही साथ शासन, सरकार, जिलाधिकारी महोदय नैनीताल, उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से बहुत सारी विसंगतियों के बाद और तमाम कमियों को निस्तारित करने के बाद यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरी लालकुआ निवासियों से अपील है कि इन 10 पट्टों को वितरित करने के साथ साथ हमने इसका समय सीमा आगामी 1 साल के लिए बढ़ा दी है, अतः और लोग भी इन पट्टों की देखा देखी अपने भूमि के मालिकाना हक के लिए प्रयास करें। मेरा उनसे आग्रह भी है और सलाह भी है कि इस जियो का और इस निस्तारित प्रकरणों को देख करके उसका लाभ अवश्य लें, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। मैं पुनः लालकुआ निवासियों को और इससे संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों को, लालकुआ निवासियों को बधाई देता हूं और अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग लेंगे। मैं अपने प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री और शासन को